चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। कंसिडर एन एटम विथ एटॉमिक नंबर जेड एज कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, एट द सेंटर एंड सराउंडेड बाई अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन साइड द एटम एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। तो सबसे पहले एक एटम हम बनाते हैं, और एटम में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस भी बनाना होगा हमको। तो छोटा सा हम पहले एक न्यूक्लियस बनाते हैं, ये यहां पर हमने एक छोटा सा, कोशिश करते छोटा, चलो छोटा ही नहीं बना, छोटा ही, चलो उसको और छोटा करते हैं, साइज छोटी कर देते हैं, थोड़ी सी और छोटी कर दें, चलो अब तो हो जाएगा सही। हाँ, अब ये न्यूक्लियस बन गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको एटम की साइज थोड़ी सी बड़ी चाहिए, एटम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलो ये हो गया एटम, ठीक है। अब ये देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, प्लस जेड ही होगी, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं ठीक है ऐसे बना दे रहा हूं रफली, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस में न्यूक्लियस के बाहर जितना निगेटिव चार्ज होगा वो कितना होगा, वो भी जेड ही होगा, क्योंकि एटम है, एटम आपका न्यूट्रल होता है, होता है ना, तो जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जेड ही। लेकिन जब आप बात करते हो क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना आप जो मैं बात बोल रहा हूं, अगर ये इसका रेडियस है कैपिटल आर और पूछ रहा है, मान लो यहां पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। गॉस लॉ याद है ना, गॉस लॉ, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो गॉस लॉ में आपको सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है, और गॉसियन सरफेस के लिए ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस के लिए यहां पर गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, होगा ना। तो मैं इसको यहां लाता हूं सेंटर पे, और पी पॉइंट से, एग्जैक्टली पी पॉइंट से कोशिश करता हूं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की। ये गॉसियन सरफेस, चलो ये ड्रॉ कर रहे हैं, पी पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया हमने। इसका रेडियस कितना है, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस है, गॉसियन सरफेस का स्मॉल आर है, ठीक है। तो अब इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, सवाल ये है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, ये सवाल है। तो क्यू नेट की वैल्यू क्या होगी, ये दिख नहीं रहा है, लाइट हो गया ज्यादा, तो क्यू नेट की वैल्यू कितनी होगी, क्यू नेट इज इक्वल टू क्या होगा, जेड ई प्लस में, और जो निगेटिव चार्ज इसके अंदर होगा वो कितना होगा बताओ, माइनस जेड ई इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, सही है, बोलो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये होती है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी प्लस जेड ई अपॉन, ठीक है, माइनस जेड ई कर देते हैं इसको, माइनस जेड ई अपॉन वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो इस वॉल्यूम के अंदर मान लो इसका वॉल्यूम है वी डैश और बड़े वाले सर्किल का वॉल्यूम है वी, तो अगर मैं इसके अंदर का चार्ज को क्यू डैश कह रहा हूं, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रो इंटू वी डैश, रो की वैल्यू माइनस जेड ई
अपॉन 4 बाई 3 पाई आर क्यूब इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 कटा, माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये क्यू डैश की वैल्यू होगी, ये क्यू डैश की वैल्यू जो है उठा के यहां रख दो, ये आपका जेड ई है, ये आपका क्या है क्यू डैश है, वही तो मैंने यूज किया है। तो क्यू नेट हो जाएगा कितना, क्यू नेट इज इक्वल टू जेड ई माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो जेड ई कॉमन ले लो, 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये क्यू नेट की वैल्यू है। ये वैल्यू आप गॉस लॉ के इक्वेशन में उठा के रख दो, क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस जीरो। यहां पर छोटा सा एरिया अगर डीएस ले लो, उसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डीएस बाहर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री हो गया। इज इक्वल टू जेड ई ब्रैकेट में 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, सही है। अच्छा ये क्या होगा, ई बाहर कर दो, क्लोज इंटीग्रल डीएस इज इक्वल टू जेड ई 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। क्लोज इंटीग्रल डीएस की वैल्यू कितनी होगी, छोटे छोटे डीएस मिला के क्या बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जेड ई ब्रैकेट में 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, इसको मैं थोड़ा सा यहां साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है, लिखते हैं ई इज इक्वल टू जेड ई अपॉन 4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट भूल गए हम यहां से, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे होना चाहिए ना, एप्सिलॉन नॉट मैंने भूल गया, क्यू नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए ना, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, आर स्क्वायर से स्मॉल आर स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर क्यूब कितना होगा, इज इक्वल टू जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर बाई आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे जो हमने कंसिडर किया था, क्या वैल्यू जेड ई अपॉन, कौन सा ऑप्शन सही है, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।